नमस्कार, मेरा नाम नितिन मारुति मुरुडकर, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। अगर कहा जाए फिल्म के बारे में तो आई विल थैंकफुल टू मिस्टर अमन जी और अलका नितिन मुरुडकर जी, जिन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया इस फिल्म को लेकर। और दूसरी बात यह है कि फिल्म जो है वो आउट एंड आउट कॉमेडी है, बट इसमें तड़का है सस्पेंस थ्रिलर का, थ्रिलर और सस्पेंस थ्रिलर। खास करके इस तरह की मूवीज़ बहुत कम होती है इंडस्ट्री में, तो यह है। और इसमें कुछ परफॉर्मर्स, मार्केट के नहीं लेकिन परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट लेके हम लोग ये मूवी कर रहे हैं। इसका शूट इसी रिजॉर्ट में जुलाई एंड तक हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनाई जा रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? सर, ये फिल्म बड़े पर्दे के लिए भी और ओटीटी के लिए भी बना रहे हैं जी। इसमें जो कलाकार, जैसे नए कलाकार आपने इसमें चयन किया है जी, ये इसका सिलेक्शन कैसे किया गया? सब थिएटर से हैं या कैसे, इसका कहाँ से आपने सेलेक्ट किया है? जी सर, ये इसमें जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, इनको हम लोग अपने कॉन्टैक्ट से ही हम लोग ने चूज़ किया। बट ये है कि पहले उनका पूरा बैकग्राउंड हम लोग ने चेक किया कि आर्टिस्ट है और उन्होंने सच में कुछ किया है या फिर। और दूसरा ये कि इसमें बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, टोटल 9 लीड कैरेक्टर्स हैं, और लीड में से 7 जो है वो फ्रॉम थिएटर है। उसमें से एक लीड है मिस्टर दीपक केशरवानी, जो इलाहाबाद से हैं और वो साउथ की फिल्मों में विलन करते हैं, और हिंदी मूवी में भी कुटुंब करके एक हिंदी मूवी आई थी उनकी, उसमें उन्होंने लीड में विलन किया था, वो इस फिल्म में लीड में है। और टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से 7 जो है वो आर्टिस्ट थिएटर से हैं। तो मैं तो कॉन्फिडेंटली बताता हूँ आपको कि वो परफॉर्म अच्छा करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपकी फिल्म है कॉमेडी और थ्रिलर है जी, इसका जब सब्जेक्ट आया है तो इसको आपने किस तरह से रूप आकार दिया है? सर, वो थोड़ा सा मज़ेदार है। एक्चुअल में हम लोग जब शुरू किए थे इस फिल्म को, मतलब अमन जी ने और अलका जी ने फाइनल किया था, तो उसकी स्टोरी कुछ थोड़ी सी अलग थी, लेकिन ये था कि लोकेशन को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स थी। जब हमने लोकेशन फाइंड आउट किया तो ये स्टोरी अलग से उभर के आ गई। अगर कहा जाए तो इस फिल्म में आर्टिस्ट तो लीड है ही, लेकिन इस फिल्म के जो लोकेशन है या कुछ उसमें कैरेक्टर, जैसे आपने देखा होगा उसमें ब्रीफकेस है, छाता है और ई बाइक, ये जो 5 प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली ये फिल्म के लीड है, बिकॉज पूरी स्टोरी जो है ना वो इसी को लेकर पूरी घूमती है। जैसे उसमें आपने देखा होगा कि ब्रीफकेस है, सूटकेस है, तो वो सूटकेस एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है? एक होटल में अगर आप जाओगे और आपका सूटकेस किसी और सूटकेस के साथ एक्सचेंज होता है, तो फिर आपको क्या परेशानी झेलनी पड़ेगी? तो इसमें 4 अलग अलग सूटकेस हैं जो एक्सचेंज होती हैं, तो 4 अलग 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 कपल्स को उसे क्या फेस करना पड़ेगा, ये पूरी फिल्म की कहानी है। क्या ये फिल्म इसी रिसोर्ट में पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी या फिर अलग अलग और भी लोकेशन आपने? जी नहीं, ये फिल्म हम लोग पूरी इसी रिसोर्ट में कंप्लीट करने वाले हैं, बिकॉज फिल्म की कहानी ऐसी है कि रिसोर्ट के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, बट ये रिसोर्ट का कोना कोना इसमें शूट होगा, ये आपको मैं बता दूँ। इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए हमारे स्पॉन्सर्स पार्टनर हैं, एक चाइनीज़ मोटर की कंपनी है बहुत बड़ी, जिसका नाम है वुक्सिंग सिग्नोटेक, जो चाइना से है, वो हमें इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। और भी कुछ ब्रांड्स हम लोग के साथ जुड़े हैं, तो आप सबके माध्यम से मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और ऑफकोर्स आप सभी पत्रकार भाई बहनों का भी, सभी बंधुओं का भी, कि मतलब इस लेवल पे आप आके हमें सपोर्ट कर रहे हो, तो रियली ग्रेट थैंकफुल टू यू कि आप लोगों की इस सहकारिता के लिए मैं आपका मन से धन्यवाद बोलता हूँ। मैं एक डायरेक्टर की तलाश में था, तो मार्केट में बहुत डायरेक्टर मिलते हैं, हम बताते हैं हमने ये किया है, हमने वो किया है, बट किया कुछ नहीं होता है। तो फिर ढूंढते ढूंढते ये मिल गए मुझे किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू। सो पहले देखा कि इंसान अच्छे हैं, काम भी बहुत अच्छा किया हुआ है, सो इनका बिहेव अच्छा लगा, इनका जो काम देखा बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा काम था, सो देन इसी करके अपना इनके साथ जुड़ गए हम। आप शुरुआत कर रहे हैं इस फिल्म, हिंदी फिल्म के साथ शुरुआत कर रहे हैं जी, फिल्में
कई फिल्में जो आती हैं नहीं बन पाती हैं या फिर शूटिंग चल जाती हैं, इस तरह जिस तरह से आपने जोखिम उठाया उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या तैयारी की आपने? जो आपने बोला कि फिल्में बहुत बनती हैं, एक्चुअली बहुत फिल्में बनती हैं जो बीच में रुक भी जाती हैं, फिर शूटिंग एक महीना रुकती है, दो महीना रुकती है, फिर किसी किसी की शूटिंग नहीं भी हो पाती है, जो रुकती है एक महीना फिर एक महीने बाद चले जाती है। तो मैं अपनी जो हमारी शूटिंग है मैं रुकना तो नहीं दूंगा, इसको कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं नितिन सर, इनसे हर चीज़ डिस्कस की है मैंने कि अभी से हम प्लानिंग बना के चले कि आगे जाके हमको प्रॉब्लम ना हो, तो देन सो इसी करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, कि रुकने तो नहीं देंगे, कंटिन्यू चलती रहेगी। एक बजट के बारे में बात करें तो आप कितना इसका बजट रखें, और इसका आजकल फिल्मों का प्रमोशन बहुत ज़्यादा, प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, इसके लिए क्या क्या अपने रणनीति बनाई है? रणनीति यही है कि जो अपना पोस्टर अभी पोस्टर लॉन्चिंग में आए हम लोग, तो आपने बजट का पूछा, 45 लाख है जो इसकी एडवर्टाइजमेंट है उनको छोड़ के, सिर्फ मेकिंग का है। एडवर्टाइजमेंट में आएंगे तब देखेंगे, पहले हम एक अपना टारगेट फिक्स कर रहे हैं, सो उस टारगेट को लेके चल रहे हैं हम लोग। सो देन जब हम फिल्म मेकिंग करके फ्री हो जाएंगे तो देन इतना अपना पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म जाएगी, तो इतना वो एडिटिंग वगैरह होगी, तो हम इतना उस पर काम करेंगे जो हमारी। स्क्रिप्ट पहली बार में ही आपने फाइनल कर लिया या फिर इसके लिए भी आपको? नहीं, स्क्रिप्ट में तो बहुत टाइम लग गया सर, स्क्रिप्ट में तो एक महीने से ऊपर हो गया। जो कंटेंट दिया है हमारे डायरेक्टर सर ने दिया है, जो राइटर है हमारे संजय सर, बहुत अच्छे राइटर हैं, तो बहुत मुश्किल से इन्होंने बहुत चीज़ें निकाली हैं, फिर इन्होंने रिजेक्ट की हैं, फिर टाइम लगा उसमें बनने में, तो स्टोरी मेकिंग में हमारे एक महीने से ऊपर हुआ है सिर्फ स्टोरी मेकिंग। और भी जो टेक्नीशियन जुड़े हैं, कलाकार जुड़े हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हीरो लोगों को ढूंढना होता है ना, बहुत मुश्किल काम होता है, खासकर अपने फिल्म में। ये उनसे पूछिए जो ढूंढते हैं, ये आप एक ग्रुप में सेंड कर दो, दसों की प्रोफाइल आ जाती है सामने। सो एक अच्छे कलाकार को निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो अभी टाइम कम था हमारे पास, मैं अपना पूरे लोगों को तो नहीं निकाल पाया जो हमारी कास्टिंग है, बट हाँ कुछ गिनी चुनी कास्टिंग निकाली है मैंने, तो वो हैं अपना थिएटर से बिलोंग करते हैं सब लोग, बट अच्छे कलाकार हैं। ये कब तक फिल्म रिलीज हो जाएगी, दर्शक इसको कब तक सिनेमा हॉल या ओटीटी पर देखेंगे? अगस्त तक हमारी, अगस्त 22 दूसरे हफ्ते तक हमारी फिल्म रिलीज़ करने की हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए अगस्त में। जैसे कि आपने नाम सुना है कुछ खो गया है, एक आउट एंड आउट कॉमेडी है और साथ में थोड़ा सा थ्रिलर भी है, और हम लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। डायरेक्टर साहब ने जो स्टोरी बताई वो हिसाब से हम लोगों ने, मैंने स्पेशली स्क्रीन पे और डायलॉग लिखा है, और अभी का जो ऑडियंस है जो लाइक करता है उस हिसाब से मैंने लिखा, और मैं समझता हूँ कि उनको पसंद आएगी, और मैं अपना पूरा जितना भी मेरा ये कैटेगरीज में लिखना है मैं पूरी तरह से लिखूँ। कहानी का बहुत सारी कहानी कहानी तो नितिन जी की है, कंसेप्ट कहानी उनकी है, मैं स्क्रीन पे डायलॉग लिख रहा हूँ, और हम लोगों ने अभी पिछले एक सवा महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, तो तीसरे ड्राफ्ट में हम लोगों ने वो वन लाइन ओके की है, मतलब ढांचा पूरा रेडी है, स्टोरी पूरी रेडी है, और मैंने ऑलरेडी स्क्रीन प्ले पे काम शुरू कर दिया है, करीबन 20-25 सीन्स भी लिख लिए हैं, एक करीबन 3-4 दिन में मैं पूरी कंप्लीट कर लूँगा, और अगर जैसे ही डायरेक्टर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम लोग उसको पूरा लॉक कर देंगे, मतलब बॉन्ड स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी करीबन एक हफ्ते में। जी नमस्कार, मेरा नाम नीरव आनंद है, और ये फिल्म कुछ खो गया है,
तो ये है द मुंबई टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन और श्री निवेदन फिल्म्स, जिनके डायरेक्टर हैं नितिन मुरुडकर। तो उन्होंने, उनसे पहले हमारी कुछ फिल्म से रिलेटेड बातें हुई थी और काफ़ी समय से हमारी बातें चल रही थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरी फ़िल्म के लिए आप ही सही जो है इसको आप जस्टिफाई कर पाओगे, आप ही उसको सही हिसाब से जो है सिनेमेटोग्राफी कर पाओगे, और आप एक बार जो है लोकेशन पे आइए और हम इसको रैकी करते हैं और आप अपना व्यू भी दीजिए। तो जब उन्होंने मुझे एक वन लाइन सुनाया स्टोरी का, तो मुझे वो इतना चैलेंजिंग लगा, क्योंकि क्या होता है कि डिफरेंट लोकेशंस पे जब आप फिल्म शूट करते हैं तो वो इजी होता है, आप एक लोकेशन के ऊपर दर्शकों को जकड़ के रखना वो स्टोरी लिखने के लिए भी चैलेंजिंग है, वो डायरेक्टर के लिए भी चैलेंजिंग है, वो डीओपी के लिए, इवन सिनेमेटोग्राफिकली मैं जो बोलूँ वो भी चैलेंजिंग एक जॉब है। हमने लोकेशन रेकी किया, ये एक रिसोर्ट में हम लोग यहाँ पे शूट करने वाले हैं, स्वागत रिसोर्ट, बहुत बढ़िया है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि फिल्म की या तो स्टोरी की जो डिमांड है वो यहाँ पे पूरी की पूरी एक ही रिसोर्ट के अंदर हम ख़त्म कर पाएंगे और अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। कैमरे में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है। जैसे कि हमेशा से जब हम किसी भी लाइन में होते हैं तो लाइन में रूमर्स होते हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में एक रूमर जो चलता है वो ये होता है कि फिल्म मतलब रेड कैमरे पे ही बनती है। तो ये तो दोस्त हम लोगों को ऐसा बोलते हैं कि आज मैं समझो 17-18 साल से कैमरा यूज़ करता हूँ, पहले जो छोटे छोटे डीवी के कैमरे आते थे उससे लेके बीटा डीजी बीटा डीवी कैम, फिर सोनी के एफएक्स सीरीज़ के कैमरे जो फेल हो गए, फिर जो डीएसआर सीरीज़ के कैमरे जिससे फिर डिजिटलाइजेशन का जो है चालू हुआ एक नया युग इंडस्ट्री में, वहाँ से लेके एक्सडी कैम से लेके फिर जो है एरी रेड। तो मैं लोगों को ये उदाहरण देता हूँ कि आपको एक गाड़ी ख़रीदनी है, आप लोगों से पूछते भैया गाड़ी कौन सी खरीदूँ, बंदा आपसे बोलता है देख लेना तो मर्सिडीज लेना है, मर्सिडीज़ के अलावा कोई भी जाना गाड़ी नहीं है। तो ये बात सच तो है नहीं, मर्सिडीज सिर्फ एक ब्रांड है, गाड़ियाँ तो होंडा सिटी भी है। तो कहने का मतलब यह है कि डिजिटलाइजेशन के बाद एक फ़ायदा ये हुआ है कि छोटे छोटे कैमरे पे जब हम सिनेमा लेंसेज यूज़ करते हैं, प्रॉपर सिनेमा लेंसेज यूज़ करते हैं, सिनेमा लाइट्स यूज़ करते हैं, तो अच्छे कैमराज पे, कम बजट के कैमराज पे भी आजकल मूवी बनाती है, रीजनल्स में भी बनती है, इवन हिंदी में भी बनती है। आज तो बहुत एडवांस्ड कैमरा मार्केट में आ गए हैं, पर मैं आज से आपको 5-6 साल 7-8 साल पहले का भी बताऊं, तभी भी एंट्री लेवल के कैमरे पे बड़े फिल्म स्टार की फिल्में भी बनी है। मैं आपको एक दाखिला भी दे दूं तो राम गोपाल वर्मा ने शुरुआत की थी 5D कैमरा से, जिन्हों अमिताभ बच्चन जैसी सेलिब्रिटी, मतलब जैसे आपके हाथ में कैमरा है राइट, वही बस पकड़ के खड़े हो गए। तो अभी जो कैमरा चल रहे हैं वो तो उससे बहुत एडवांस्ड है, मिररलेस रेंज के जो कैमराज आते हैं उसके साथ हम लोग सिनेमेटिक लेंसेज यूज़ करते हैं। हम लोग लोगों को ये कहते हैं कि ड्राइवर सही होना चाहिए आपकी गाड़ी का, तब जाके वो जो है ना हाईवे पे सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा। अगर आप कैमरा बड़े से बड़ा ले आएंगे, अनुकरण करेंगे लोगों का, और उसका ड्राइवर मतलब DOP फेसबुक पे ढूंढ के डाल देंगे कि हाँ तू कितने में कर लेगा, बटन दबा दे एक्शन बस चलो हो गया कट, तो फिल्म फिर वैसे ही बनेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि छोटे मीडियम रेंज के कैमरेज पे भी फिल्म अच्छी बनाई जा सकती है, हम इस पे ही बना रहे हैं, और हम लोग सिनेमेटिक लेंसेज यूज़ करेंगे, हम लोग सिनेमा लाइट्स यूज़ करेंगे, प्रॉपर सिनेमा लाइट्स यूज़ करेंगे। छोटा कैमरा यूज़ करने का रीज़न बजट नहीं है यहाँ पे, ये भी बता दूँ, छोटा कैमरा यूज़ करने का रीज़न यहाँ पे है कि ये फिल्म भगदौड़ वाली स्पीड वाली है, जिसके अंदर भागना है हमको कैमरा लेके, हमको बहुत हैवी वाला कैमरा नहीं चाहिए जो हम लेके हम लोग थक जाएं या हमको दो जन के सपोर्ट और रिग विग लेके हम भागें, हमको एक छोटा सा कैमरा चाहिए जिसको गिम्बल्स के ऊपर उसका ऐसा सेट करके हम लोग आर्टिस्ट के साथ जैसी उसकी डायलॉग्स है या तो जैसे उसको मोमेंट्स दिए हैं डायरेक्टर ने भाग सके। इसलिए एक हल्का कैमरा जो वेट में कम हो और भाग दौड़ में हम जो अच्छे से उसको यूज़ करवाए, ये भी एक रीज़न है। नमस्कार, मैं अभय पाटिल, मैं एक्टर हूँ, और अभी जो ये फिल्म बनने जा रही है कुछ खो गया है, ये मेरे दोस्त नितिन मारुति मुरुडकर जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वही बनाने जा रहे हैं। और जब उनके दिल में ऐसा आया कि वो फिल्म में बनाने जा रहे हैं तो उन्होंने मुझे कॉल किया
और उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि अभय भाई अभी हम फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें आप एक अहम भूमिका कर रहे हो और आपके साथ शमीम जी है, और इतने वक्त शमीम जी और मैं एक ही शूट पे थे। तो इस तरह एक बोले इत्तेफाक, फिल्म में बहुत इत्तेफाक है और इतने वक्त से हम दोनों भी साथ थे उस वक्त, और ये फिल्म बनाने का उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया था, बोला कि भाई इसी तारीख को अपना अनाउंसमेंट है तब ज़रूर आ जाना तुम। तो इस तरह से मैं इस फिल्म में जुड़ गया। कैरेक्टर के बारे में कुछ बताया गया? एक्चुअली कैरेक्टर के बारे में ना उन्होंने बोला है कि वो डिस्क्लोज नहीं करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो, और वो जो आखिर में खुलता है उसकी जो राज है ना वो आखिर में खुलता है। तो इस वजह से मैं कैरेक्टर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये कॉमेडी थ्रिलर है और वही सस्पेंस भी है जो मेरा रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मराठी में बोलो। अब याद है इससे मराठी बोलो। भी बहुत बार काम किया है और बहुत मतलब उनका काम में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और उन्होंने जैसे ही मुझे ऑफ़र दिया मैंने फटाक से हाँ बोल दी, क्यों तो मुझे पता है उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। और उन्होंने अभय सर के लिए भी, अभय सर ने भी काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, उनके साथ मैंने पहले भी काम कर चुकी हूँ, तो मैंने फटाक से सर को हाँ बोल दिया। और अमन सर जी है जो इसको मतलब राइट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमन जी भी बहुत बहुत मतलब उन्होंने भी काफ़ी मतलब सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। तो जैसे ही मुझे ऑफ़र आया और मैंने ये सब स्टोरी सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने फटाक से हाँ कर दी, और ये बहुत बहुत अच्छी मूवी है, ज़रूर देखना। और हम इसके पूरी डिटेल दे नहीं सकते क्यों तो हम पहले ही नहीं बता सकते ये सब। नमस्ते, मैं रसिका वाणी। एक्चुअली नितिन जी और अभय जी, इनके साथ मेरी फ़र्स्ट मीटिंग है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम कहाँ पे मिले थे या कोई पहला प्रोजेक्ट किया हुआ है, लेकिन ये फ़र्स्ट मीटिंग है और इन्होंने मेरी मतलब मेरा प्रोफाइल जो सिलेक्ट किया, मेरी सिलेक्शन जो की, इनकी वजह से मैं उनकी तो पहले थैंकफुल, बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ उनको। और मतलब इसमें जो भी मेरा कैरेक्टर है इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अब तक मतलब जो भी सिलेक्शन हुआ है वो सर ने अब तक मुझे बताया नहीं है, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं बता सकती हूँ। लेकिन आप हमारा जब ये शूट कंप्लीट हो जाएगा, ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी, आप खुद ये मूवी देखो, जो भी है आपको कॉमेडी उसमें ही देखने के लिए मिल जाएगा, इतना ही बता सकती हूँ। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम स्वाति करणेकर है, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारी सीरियल, मूवी, वेब सीरीज़ करते आई हूँ और मेरा थिएटर चालू रहता है अभी तक। रही बात नितिन जी से और इस मूवी का अटैचमेंट, मुझे एक दिन नितिन जी ने कॉल किया कि आप फ़िलहाल क्या कर रहे हो मैम, तो मैंने बोला अभी फ़िलहाल तो मेरा प्रोजेक्ट चालू है लेकिन अभी इतना कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम एक मूवी कर रहे हैं तो आपका प्रोफाइल हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो मैं एकदम एक्साइटिंग में एकदम उनको हाँ बोल दिया मैंने कि मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बचा तो इसमें कैरेक्टर का है, और मैं कैरेक्टर मेरा भी बताऊंगी नहीं क्योंकि बहुत सस्पेंस है, और मुझे बहुत अच्छा लगा है वो कैरेक्टर, मुझे नहीं कैरेक्टर मुझे पता है मेरा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मेरा कैरेक्टर आप पर्दे पर देखने के बाद कितना हंसोगे और कितना रोओगे, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसके लिए मैं बताऊँगी नहीं। और दूसरी बात, मुझे इनका प्रोडक्शन और हमारे प्रोड्यूसर साहब अमय जी और डायरेक्टर साहब, सबका मतलब कांटेक्ट बहुत अच्छा है, और मैं फ़र्स्ट उनके साथ एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सक्सेसफुली ये मूवी बहुत अच्छा बड़ा दिखेगा मुझे और सबको अच्छा लगेगा। मेरा नाम नितिन विक्रम दिगे है। ताजुब की बात यह है कि मेरा भी नाम नितिन है और डायरेक्टर सर का नाम भी नितिन है। मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैंने अभी तक कई शॉर्ट फिल्म्स किए और एक दो वेब सीरीज़ में भी काम किया है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा तो मेरे इस प्रोजेक्ट से कांटेक्ट तो नहीं था, लेकिन दो तीन दिन पहले अभय सर से मेरा कांटेक्ट हुआ, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़े भाई जैसे, बहुत सालों से उनसे पहचान है मेरी, साथ में हम लोग ने कई स्किट्स भी किए हैं, कॉमेडी स्किट्स वगैरह। तो उन्होंने बोला कि 22 जून को अपना ये सेरेमनी है न्यू मूवी का, तो अगर टाइम मिले तो आ जाना। मैं बोला ठीक है चलो आ जाते। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि मतलब एक नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उसमें नितिन सर डायरेक्टर है, अमन सिंह प्रोड्यूसर है वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी टीम है,
मैंने खुद को मतलब खुद को मैं खुश नसीब समझूंगा कि मुझे अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अभी देखते अभी इस प्लेटफॉर्म से मुझे कितना मतलब अच्छा सक्सेस मिलता है। थैंक यू।